बिल्कुल वाज़ेह है, जुमे को इंशाअल्लाह हम पूरे मुल्क में एहतजाजी मुजाहरे कर रहे हैं। हम कानून और आइन के अंदर रहते हुए अपनी जद्दोजहद करेंगे, बिल्कुल वाज़ेह और क्लियर है, न किसी की परवाह है न किसी से डर है। अगर किसी का यह ख्याल है, हम सिर्फ और सिर्फ हमें परेशानी है तो इस मुल्क की परेशानी है कि इस मुल्क में इस वक्त अनार्की की तरफ जा रहा है। आप देख रहे हैं कि लक्की में इस वक्त पुलिस के लोग जो है ना शराब पहते जाए, कभी इस तरह हुआ है? बहुत अफसोस है इस पर, इसको सीरियस लिया जाए। बलोचिस्तान में जो सूरत हाल है, जो डी ए खान में, यानी आपके खैबर पर खास कर जो मर्च एरिया है, भाई आप संजीदगी से बैठो और इस पर बात करो, तमाम स्टेक होल्डर को बैठाओ कि मुल्क और वफाक के खिलाफ साजिश हो रहा है। हम किसी सूरत में इस मुल्क को अनार्की की तरफ नहीं लेकर जाना चाहते, हम इस मुल्क में जो ना कानून और आइन की हुक्मरानी चाहते हैं। हम मुतालबा करते हैं, नंबर वन मुतालबा हमारा ये कि जितने गैर कानूनी इमरान खान और जो बाकी कैदी है और जो अभी गिरफ्तार, सबको रिहा किया जाए और केसेस ख़त्म की जाए। जो इस वक्त बलोचिस्तान की इशूज़ है और लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, इस पर एक सीरियस बैठक की जाए और उस पर तमाम स्टेक होल्डर को इन्वॉल्व किया जाए। और तीसरे, ये जो मरूब साहब ने कहा, अभी रास्ता और कोई नहीं है, हमें जो है ना फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तरफ जाना होगा ताकि ये मुल्क आगे बढ़ सके। मुल्क की इकॉनमी भी बैठ गई है और मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल भी बहुत बेहतर।